स्टूडेंट्स, अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो है आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आरटी लगी हुई, तो दोस्तों इससे बड़ा गुड न्यूज नहीं हो सकता। यानी कि आप जो है इस बार जो आप लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं, इस एग्जाम में दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने इस तरीके से बोल देगी एग्जाम से पहले ही, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यानी कि इतनी बड़ी अच्छी खबर है। यानी कि दोस्तों इस बार का जो एग्जाम्स होगा इसमें दोस्तों बहुत ही दोस्तों लो चांसेस होगा कि कोई बच्चे को फेल किया जा रहा होगा। जिन बच्चे दोस्तों इंप्रूवमेंट के लिए बैठ रहे होंगे, आपकी दोस्तों यहाँ पे इंप्रूवमेंट की डिमांड भी पूरी हो रही होगी। यानी कि बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, बच्चों को दोस्तों यहाँ पे पास करने को लेकर एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है और ये जरूरी भी था। यानी कि दोस्तों कोविड ने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई पे पूरा असर डाला है और इसका सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर, जिसमें सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि बेसिक वाले बच्चे स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ये चीज सीबीएसई बोर्ड समझ चुकी है और शायद यही कारण था दोस्तों कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों को कुछ राहत देना था, दोस्तों वो निकल के सामने आ गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों दो बहुत ही दोस्तों बेहतरीन खबरों पे बात कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को दोस्तों एक भी सेकंड को मिस मत करिएगा। मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट को लेकर अब धीरे 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 स्टूडेंट्स टाइम घटता जा रहा है। ऐसे में जैसे जैसे टाइम घट रहा है वैसे वैसे दोस्तों आपकी एक सब्जेक्ट में आई हुई है या फिर दो सब्जेक्ट में आई हुई है, जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों यही वो आपके पास मौका होने वाला है। अगर ये मौका आपने गवा दिया, एक साल आपका दोस्तों यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और एक साल बर्बाद होने का मतलब है आपका दोस्तों यहाँ पे आपके ऊपर वो स्टैंप लग जाएगा कंपार्टमेंट का। अगर आप इस बार क्लियर कर लेंगे, एक महीने मेहनत करके क्लियर कर लेंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी, क्योंकि मार्कशीट दोनों का सेम ही मिलता है। तो दोस्तों आपके पास मौका है, एक महीने मेहनत करना है या फिर पूरे साल, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। फिलहाल दोस्तों कंपार्टमेंट को लेकर प्रीवियस ईयर के पेपर और भी काफी सारी जो स्टडी मटेरियल है मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे सिंपली जो है सीखे हिंदुस्तान सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। जल्दी से प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट से। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दोस्तों डेटा को शेयर कर दिया। अब इसको लेकर दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पे डेटा शेयर कर दिया है जिन बच्चों ने दोस्तों यहां पे रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, अपने मार्क्स को चैलेंज किया था, मुझे एक नंबर से दो नंबर से फेल कर दिया गया है, कंपार्टमेंट दे दिया गया है या फिर मेरे सब्जेक्ट में आरटी लगा दिया गया है, मेरा पेपर ऐसा गया ही नहीं था कि मेरे आरटी आ जाएगी या फिर मुझे जो है कंपार्टमेंट मिल जाएगा, उन बच्चों का दोस्तों यहां पर डेटा शेयर किया गया है। बोर्ड ने यहां पर कहा है कि रिकॉर्ड बच्चे जिन्होंने जो है यहां पर कॉपी को रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था उनमें दोस्तों यहां पर बच्चे पास हुए हैं। ये दोस्तों जो डेटा यहां पर बताया गया है सिर्फ एक रीजन का दोस्तों यहां पर डेटा बताया जा रहा है, सिर्फ एक पे दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड दोस्तों 10,000 प्लस जो है यहां पे बच्चे पास हो गए, यानी कि जो बच्चे फेल थे वो बच्चे पास हो गए। और यहां पे दोस्तों हर एक अलग अलग रीजन को जोड़ दिया जाए और पूरे ऑल इंडिया का देखा जाए दोस्तों तो पता नहीं कितना डेटा होगा। लेकिन दोस्तों ये जो मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रहा, शायद आप में से दोस्तों काफी सारे बच्चे इसी चीज का जवाब जो है ढूंढ रहे होंगे, ये डेटा आ कहां से रहा है, क्योंकि मैंने भी जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, मेरा तो जो है वहां पर नोट मिस्टेक लिख रहा था और ये नो मिस्टेक फाउंड दोस्तों यहां पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के जितने भी कमेंट्स थे उसमें दोस्तों 100 कमेंट्स अगर मैं रीड कर रहा हूं तो 100 में से मुझे 95 कमेंट्स में जो है मुझे नो मिस्टेक फाउंड दिख रहा था। तो फिर दोस्तों ये बच्चे कहां से इतने सारे आ गए, मुझे अभी भी दोस्तों डाउट है। फिलहाल मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा इसको लेकर दोस्तों। अब आप लोग ही बताइए नीचे कमेंट करके इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई हो सकती है। क्या दोस्तों अगर इसमें सच्चाई है तो क्या सच में आपके नंबर बढ़े हैं और आप जो है पहले फेल थे और आप जो है पास हो गए हैं, तो ये दोस्तों इसका जो है फैसला आप ही करिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों क्या चीजें चल रही है देश भर में आप लोग यहां पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों डेटा निकल के सामने आया है रीचेकिंग का कि कितने बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं रीजन वाइज। ये दोस्तों पूरा डेटा जो है बहुत ही लंबा है, लेकिन सिर्फ एक रीजन में दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड जो है इतने हजार बच्चे पास हो रहे हैं, ये अपने आप में दोस्तों काफी बड़ा सवाल को यहाँ पे जो है क्रिएट कर रहा है। फिलहाल दोस्तों हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इस अपडेट को स्किप करते हैं, इसका फैसला तो आप लोग ही करिएगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा करीब आ चुका है, 17 जुलाई से आप लोग के पेपर शुरू हो रहे हैं। काफी सारे बच्चे कह रहे होंगे अभी तो बहुत ही टाइम है, यही वो टाइम है जो आप लोग जो है एनुअल के समय कह रहे थे, जब दिसंबर में आप लोग की यहाँ पे डेटशीट आई थी, फिर आप लोग कह रहे थे अब पेपर तो मार्च में है, फरवरी में है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है। ये गलती इस बार मत करिएगा। आपने दोस्तों जो भी गलती की है वो तो गलती की है, लेकिन आप लोग दोस्तों यहाँ पे जो है एक चीज जरूर करिएगा, अपने दोस्तों आपके जो जूनियर है या फिर जो है आपके
आपके जो सीनियर हैं उनको दोस्तों ये गलती ना हो, उनसे जो है ये गलती ना हो, तो दोस्तों उनको जो है अवेयर जरूर करिएगा। उनको स्टार्टिंग से ही आप बताइएगा कि एनसीईआरटी करें, इसके साथ साथ जो है एक अलग अलग जो है बुक्स को जरूर जो है यहाँ पे परचेस करें। कुछ ऐसी बुक्स है दोस्तों जो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आप लोग को दोस्तों जो नंबर है, जो बच्चे यहाँ पे पास की भी उम्मीद नहीं रखते अपने आप को, वो दोस्तों पास नहीं बल्कि दोस्तों एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। कुछ अच्छी मार्केट में बुक्स है तो वो दोस्तों आपको बुक्स परचेस करना चाहिए। उनमें दोस्तों मैं जो है एक बुक्स आपको नाम भी बता देता हूँ, शिवदास। ये जो बुक आप लोग देख रहे हैं केवल ये बुक्स नहीं बल्कि एक दोस्तों ये मैजिकल बुक है जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें आपको मिल जाती है। आपको कुछ भी दोस्तों यानी कि अगर आप इस एक बुक को जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में शामिल करते हैं तो आपको अदर में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक्स में आपको मिल जाता है चैप्टर्स के सारे कंप्लीट दोस्तों नोट्स आपको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी के ऑल टू ऑल क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंडेक्स के क्वेश्चन, इसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है, जो इस बार के आप लोग के जो नए ईयर के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वहां पर दोस्तों कॉम्पिटेंसी बेस्ड का काफी बड़ा वेटेज है। तो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें ऐड किए गए हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिल जाता है, इसके साथ साथ जो है एमसीक्यू का जो है क्वेश्चन बैंक भी जो है इस बुक में पूरा दिया गया है, इसके साथ साथ जो है बोर्ड का लेटेस्ट जो है सैंपल पेपर दिया गया है। और मैं आपको ये बुक्स को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसका बड़ा रीजन ये है कि बच्चों का जो पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम का उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके लिए बच्चे अक्सर से जो है अलग से जो है 200-300 रुपए जो है अलग से प्रीवियस ईयर की बुक्स को खरीदते हैं। आपको ये बुक्स को जो है कंप्लीट ये बुक्स जो है मैजिकल बुक इसलिए है क्योंकि इस बुक्स में हर एक चीजें मिल जाती है। लास्ट के 10 ईयर के दोस्तों क्वेश्चंस पेपर भी जो है आपको इस बुक्स में इंक्लूड मिलते हैं, यानी पिछले 10 साल में कौन कौन से बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इस बुक्स में डाले गए हैं। टॉपिक वाइज डाला गया है, हर एक टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं पिछले 10 साल में, और इस बार की आपकी 2024 के बोर्ड एग्जाम में कौन से पूछे जाने वाले हैं, तो हर एक चीज इस बुक्स में है। तो देर किस बात की कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर बात करें आप आखिरी और यहां पर थर्ड अपडेट की बात करें दोस्तों, तो ये जो है एक अच्छी खबर है। मैं आपको स्टार्टिंग के जो वीडियो में बता रहा था, स्टार्टिंग जब ये वीडियो में शुरुआत कर रहा था तो सबसे पहले एक चीज मैंने कहा था कि इस बार जो है काफी बच्चे कम फेल हो रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है इस बार बच्चे पास हो रहे होंगे, बच्चों के नंबर बढ़ रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पे सीबीएसई बोर्ड के जो कंट्रोलर है संयम भारद्वाज जी ने दोस्तों एक सबसे बड़ा फैसला कर दिया है। आप लोग यहां पर देखेंगे सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों इस बार जो है वो सभी टीचरों की लिस्ट बना ली है, यानी कि सभी टीचरों को दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने आइडेंटिफाई कर लिया है जिन्होंने दोस्तों कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी की, या फिर जिन्होंने जो है बच्चों के नंबर काट लिए, या जिन्होंने जो है बच्चों को फेल कर दिया, बच्चों को नंबर कम दे दिया। और सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कट कह दिया कि ये सारे टीचरों को जो है हम इस बार ब्लैक लिस्ट करेंगे। और ये दोस्तों जो है टीचर्स, ये जो टीचर्स जो बच्चों को यहाँ पे फेल कर दे रहे थे या फिर पैसे के लिए जो है ये टीचर जो है जल्दी जल्दी बाजी में जो है कॉपी चेक कर रहे थे बच्चों को, जो है यहाँ पे जो जिस बच्चे ने खुद से बना के आंसर लिखा है उसको इतना अच्छी तरीके से ध्यान से नहीं पढ़े और सीधा जो है उसको जो उनको सही लगा तो सीधा सही कर दिया या गलत लगा तो पूरा काट दे रहे थे, तो ऐसे सभी टीचर को दोस्तों यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, जब आप लोग जुलाई में एग्जाम देंगे तो ये टीचर्स जो है दोस्तों आपकी कॉपी अब चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब दोस्तों केवल वही टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे जो आपके हर एक आंसर को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, जो बच्चे बना के लिखेंगे या जो बच्चों को दोस्तों यहां पे एक्चुअली नंबर मिलना चाहिए वहां पे आपको नंबर मिल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों अब ये जितने भी टीचर्स थे दोस्तों जो ऊपर ऊपर जल्दी में हवा हवा में कॉपी चेक कर रहे थे, उन सभी टीचर को दोस्तों हवा हवा में जो है यहां पे उड़ा दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये चीजें दोस्तों यहां पे जो है सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं कि इनको ब्लैकलिस्ट जो है हम कर रहे हैं ताकि जो है ये आगे फ्यूचर में जो है सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक ना कर पाए। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों आप लोग के लिए। तो ये दोस्तों यहां पर गुड हिंट है, गुड साइन है आप लोग के लिए कि आप लोग एग्जाम को लेकर अच्छी तरीके से बस तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों यहां पे बोर्ड एक अच्छा कदम उठा रही है। मुझे लगता है ये अच्छा कदम नहीं बहुत ही अच्छा कदम है कि दोस्तों ऐसे टीचर्स जो है आपकी कॉपी चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टीचर्स को क्या होता है, इन टीचर्स को तो पैसे मिल जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, बच्चों को एक नंबर से कंपार्टमेंट देते हैं, इनको कुछ नहीं है। क्योंकि अगर एक नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया फिर बच्चों को दोबारा से कॉपी मिल गई तो इनकी तो डबल अर्निंग हो जाती है, एक ही कॉपी दो बार चेक करते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनके लिए तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सोचिए आप लोग पे क्या गुजरती है। तो ये चीजें दोस्तों यहां पे जो है ये टीचर्स जो है यहां पे जो है समझते नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पे सीबीएसई बोर्ड इस चीज को समझ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड आप लोग की बातों को समझ चुकी है जो हम लोग दोस्तों लगातार उठा रहे, और यही नतीजा है दोस्तों, इसी का नतीजा है कि दोस्तों यहां पे जो एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों अब बारी है कि आप लोग भी दोस्तों अब यहां पे जो है अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है काफी कम टाइम बच गया है। और वही हम दोस्तों यहां पे एक और अपडेट पे बढ़े, आखिरी और तीसरी अपडेट पे बढ़े दोस्तों, तो यहां पे जो है आप लोग के कुछ डाउट्स भी ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारे दोस्तों अलग अलग बच्चों के जो है अलग अलग सवाल आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल मुझे जो है कल बार बार देखने को मिल रहा था, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे स्कूल वाले यानी कि जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्कूल वाले जो है 300 रुपए हमसे ले ही नहीं रहे, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने 300 कह रखा है फिर भी जो है स्कूल वाले मुझसे 500 मांग रहे हैं, कोई बच्चा 700 कह रहा है। अगर दोस्तों ये जो है अगर आप लोग की शिकायत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए,
बताइएगा, क्योंकि बोर्ड ने दोस्तों क्लियर कट कह रखा है कि कोई स्कूल अगर ज्यादा पैसा लेता है तो उनकी जानकारी हमें दी जाए। दोस्तों आपकी जो है जानकारी जो है हम यहाँ तक सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगता है या आपको दोस्तों किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, किसी भी स्टेट में पढ़ते हो, अगर आपके स्कूल वाले दोस्तों 300 से ज्यादा मांग रहे हैं तो एक बार जो है अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये गलत है। अगर कोई मांग रहा है तो आप लोग उन्हें सर्कुलर दिखाइए, उसके बाद जो है उनसे पूछिए ये 300 रुपये क्या लिखा हुआ है, क्या ये 300 रुपये क्या लिखा हुआ है, पहले ये दिखाइए उन्हें। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी कुछ बोलते हैं तो उनका नाम जो है आप जो है नीचे कमेंट कर दीजिए। काफी सारे बच्चे अलग अलग जो है कल सवाल कर रहे थे कि मेरी जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगी, यानी कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगी वहां पे पासिंग रूल क्या होगा, पासिंग रूल को लेकर जो है काफी सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं। यहां तक कि सवाल तो मैंने ये भी देखा था, क्या इंटरनल के नंबर जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके इंटरनल के नंबर और प्रैक्टिकल के नंबर तभी जुड़ेंगे जब आप जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो ये चीजें समझिए। वहीं अगर आप 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके इंटरनल के नंबर जो है 7 के साथ जुड़ जाएंगे। यहां तक कि जो है पास करने में भी आपको नंबर वो हेल्प करेगा, यानी 100 में से आपको 33 लाना है, 12 के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे 70 में से 23 और 80 नंबर का पेपर है तो 26 नंबर लाना होगा। तो ये है पासिंग रूल। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है पास रूल है। आगे जो है कोई और भी नए डाउट्स हैं आप लोग के तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, किन किन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे जो है टाइम भी घटता जा रहा है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि आगे सर्वर लो होगा। जहां सर्वर लो हो गया तो 3-4 दिन तक जो है समझ जाइए अप्लाई नहीं होने वाला, और 3-4 दिन अप्लाई नहीं होगा फिर धीरे धीरे जब टाइम निकल जाएगा तो लेट फीस आपको 2000 रुपये आपको देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लेट फीस का चक्कर मत करिए, जल्दी से जल्दी जो है अप्लाई कर दीजिए। मिलते प्यारे स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, आगे कोई और नई अपडेट्स होगी तो मेरे चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।